ओके जी दोस्तों, तो हम 17 टीम्स ही काउंट करेंगे। जो टीम वन में RIP सईद शो हो रहा है वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और आपकी जो रैंकिंग है वो इसी हिसाब से आओगी। फिलहाल अच्छा गेम सॉरी जो ग्रुप ए की गेम थी उसमें सर्कल जो है बिल्कुल राइट पे कॉर्नर में चला गया था, और जो इसमें ग्रुप बी की गेम है इसमें बिल्कुल लेफ्ट पे चला गया, आधा सर्कल पानी में। तो ये हम थोड़ा सा सर्कल का अजीब बिहेवियर देख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी फाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। स्ट्रेंज डबर मिस्टो सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ा टाउन पूरा खाली नज़र आ रहा है हमें। टीम अल्टीमेट पूरी पावर के साथ इस वक्त मैच के अंदर। कोई भी फाइट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। राइट विला इस वक्त मुझे पूरा खाली नज़र आ रहा है, वोल्नोवा पूरा खाली पड़ा हुआ है। 58 प्लेयर्स हैं ऑल दो, लेकिन काफ़ी मैं एरियाज देख रहा हूँ जो मुझे पूरे के पूरे खाली दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नहीं, अभी कोई फाइट एक्सपेक्टेड नहीं है, सब टीम दूर दूर है। ये लोग ब्रिज क्रॉस करके जिधर जा रहे हैं वहाँ गैंगस्टर्स हैं, ये पहले से ही गैंगस्टर भी वहाँ से जा रहे हैं, बल्कि इनकी तरफ ही आ रहे हैं। राइट पहली फाइट भी नहीं, दोनों एक ही टीम है। दोनों एक ही टीम थी। वाह 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 वाह, इनकी जो है ये क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, आइस व्हीकल। तीनों ने एक एक पकड़ी हुई है, क्या बात है। इधर तो पिकनिक चल रही है भाई, नाइस बीफ। और भी आपने कहा कि आए हुए हैं, चलो स्विट्ज़रलैंड में थोड़ी सी पिकनिक मना लें। क्या लड़ के क्या करना है ना, अच्छी स्ट्रेटजी है। गुड, यहाँ पे इस झील के तीन चार चक्कर लगाओ ना, घूम घूम के आओ, रेस लगाओ आपस में। एक और भी खड़ी है, कुछ चौथा भेजो, टीम अप कर लेना उसके साथ, मिल के चलाते रहना। RIP फर्स्ट फाइट देखने को नज़र आई है। RIP वाकिफ ने इस वक्त टीम गैंगस्टर यंग मलंग्स को पूरी तरह से यहाँ पर वाइप आउट किया है। ये फाइट विन की है सिर्फ दो लोगों ने, RIP वाकिफ और RIP कैंडी ने। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। किस हालत में पकड़े गए ये गैंगस्टर्स वाले, लेट्स सी। RIP शाहजेब काफ़ी दूर है इनसे, मुझे लगता है ऑफलाइन है। ओके जी, तो हमारी यहाँ पर गेम 2 चल रही है ग्रुप
यहाँ मुझे काफ़ी टीम्स कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं बी फोर बी के आसपास। टीम बी फॉर बी एंड अल्टीमेट एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं इस वक्त। टीम अल्टीमेट रोटेशंस बहुत अच्छे डालते हैं, व्हीकल्स का यूज़ बहुत अच्छा करते हैं, इसी वजह से काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है अब तक की, और यही एक स्ट्रेटजी है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत ऊपर लेके जा सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एएस एक प्लेयर है जो कि अकेला जा रहा है कहीं नाइटमेयर्स वालों के करीब। जोन में जा रहा है, 70 जोन में जा रही है, शिकारी जोन में जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव की टीम जोन में बिल्कुल एंटर करने के साथ ही एक कंपाउंड में कैंप कर चुकी है। गाइस फाइट्स फाइट्स फाइट्स, ओके वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। मुझे समझ आती है पैंट्स उतार के क्यों खेलते हैं लोग, साबित क्या करना चाहते हो भाई। राइट जी, ड्रॉप आ रहा है पहला, और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा टीम्स हमें नज़र आ रही हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हो चुकी हैं। अगर एक भी टीम अपनी फ़ाइट लेती है स्टार्ट करती है तो बाकी टीम्स का भी अपनी फायरिंग की आवाज़ जाएगी और उसका ऑब्वियसली रिस्पांस आएगा बाकी टीम्स की तरफ से भी। RIP यस फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, RIP क्लोज इन कर रही है यहाँ पर। बी फॉर बी और अल्टीमेट बहुत करीब है, अल्फा ओपी को स्प्रे पड़ रहा है। बी फॉर बी वर्सेस अल्टीमेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है फाइट, अल्फा ओपी की हेल्थ लो हुई है। रजी को थोड़ा सा डैमेज दिया है यहाँ पर मोजी ने, यहाँ पर RIP कैंडी को डाउन कर दिया है, RIP कैंडी ब्लीड आउट होते हुए फिनिश हो जाएंगे। RIP कैंडी नहीं बचा सके शाहजेब इनको, दैट्स वेरी स्ट्रेंज, बचा सकते थे। यहाँ पर बी फॉर बी हंसी की इनकी एक और फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जो पीछे से टीम आ रही थी जोन के अंदर उसको इन्होंने स्पॉट कर लिया, टीम 9 को एक डाउन कर दिया है, रिवाइव देना बहुत मुश्किल होगा। RIP वाकिफ, यहाँ पर अल्टीमेट ने उस टीम 9 के जो प्लेयर्स रोटेशन डाल रहे थे उनको फिनिश कर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं RIP वाकिफ,
दोनों टीम्स ने जोन के अंदर जाना है। पीछे से 70 वाले भी आ चुके हैं। आरआईपी शहीद जोन से फिनिश, अल्टीमेट वालों ने शिकारी वालों की गाड़ी फाड़ दी है और पूरी शिकारी टीम गई। सेवेंटी सफीर यहाँ फिनिश हुए। V4V रजी ने अल्टीमेट कैम 09 को नॉक कर दिया है। सो टीम अल्टीमेट के लिए यहाँ मुश्किल और बढ़ते हुए, इन्होंने जोन के अंदर भी आना है। RIP वाकिफ को डाउन किया एक ज़बरदस्त स्प्रे से। RIP वाकिफ को रिवाइव मिलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। काफ़ी इनके टीममेट शाहजेब थोड़े से दूर भी हैं और अगर ये रिवाइव के लिए उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं ये तो यहाँ पर हम इस फाइट को थोड़े के लिए छोड़ेंगे और अल्टीमेट की फ़ाइट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने हसी को नॉक कर दिया है और हसी को छोड़कर रजी और हारिस जो हैं वो जोन की तरफ जा चुके हैं, तो विच मीन्स हसी को यहाँ पर फिनिश होना पड़ेगा। अल्टीमेट कैन 09 ने उनको फिनिश किया। माविया के पास 4 किल्स हैं इस वक्त, कैन 09 के पास 2 किल्स हैं। इन्होंने शिकारी वालों की पूरी गाड़ी ब्लास्ट कर दी, बेचारे शिकारी वालों के साथ बुरा हो गया। V4V बैक ऑफ कर गई है और जहां पर ये जा रहे हैं वहां पर पहले से टीम्स मौजूद हैं। आगे B2C है, राइट, तो ये आगे हैं बिल्कुल B2C की गोद में। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, चिकन डिनर निकाल चुकी है पहले मैच में। RIP शाहजेब किसी न किसी तरह रिंकर जोन के अंदर तो आ चुके हैं। अल्टीमेट की एक और फाइट स्टार्ट हो चुकी है। मूजी ने नॉक निकाला है यहाँ पर 70 की तरफ। 70 का वो आखिरी ही प्लेयर था मेरे ख्याल से एजाज, और BT Mark IV ने व्हीकल ब्लास्ट कर दी। ये क्या हो रहा है, अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए तंग कर रहे हैं। राइट जी, इनके यहाँ से आ रहे हैं डिस्ट्रक्टिव वाले, सीधा आएंगे इन्हीं के कंपाउंड्स में भागते दौड़ते। और इधर से मैं देख रहा हूँ एक ASB आ रहा है टीम 10 का, अकेला तन्हा मुसाफिर। जोन के अंदर एंटर होने की बैटल चल रही है यहाँ पर। डोब्रो मिस्टो स्टिल खाली है, ड्रॉप वहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी टीम उस एरिया में नहीं जाना चाह रही में है। हैरत हो रही है मुझे इस चीज़ से। टीम 11 के पास पहुँच चुके हैं अल्टीमेट वाले इस वक्त। गाड़ी रुकी है इनकी सामने आकर, बिल्कुल काफ़ी लोग हुए हैं, 1009 भी लो हुए हैं। और ज़बरदस्त रश करके यहाँ पर टीम अल्टीमेट ने फिनिश किया टीम 11 को। दैट इज़ अ हैवी फाइट, बड़ा ज़बरदस्त रश था। गाड़ी से उतर कर उनको संभलने का सोचने का मौका ही नहीं दिया, एकदम से उन पर रश किया और उनको पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर
विद इन 30 seconds वाइप आउट कर दिया. दैट इज़ अ वेरी ओपी रश गेम प्ले. B2C. इलेवन टीम्स हैं, 35 प्लेयर्स हैं अभी तक लाइव. टीम अल्टीमेट मूव करते हुए अपने अगले टारगेट की तरफ कहाँ जाते हैं ये कैंपिंग करने. लेट्स सी. कैंप होता है, रश होता है इस सर्कल के बाद जो है वो हम देखते हैं टीम्स किधर को जाती हैं. अगर सर्कल ऊपर की तरफ जाता है तो टीम्स को मूव करना पड़ेगा. ऐसे ही हुआ. डिस्ट्रक्टिव की फाइट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर नाइटमेयर्स वालों के साथ. देख सकता हूँ कि एक और फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन नाइटमेयर्स और डिस्ट्रक्टिव की फ़ाइट हम देखना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए. डीटी किंग काफ़ी लो हैं. 300 शाजम ने डीटी किंग को भी डाउन कर दिया. सिर्फ आसिम अलाइव हैं, दो प्लेयर डाउन हैं उनके. आसिम फिनिश हुए, सॉरी राइट. डीटी किंग को कंप्लीट फिनिश कर दिया यहाँ पर. ओपी गेम प्ले. ग्रिफिन्स की फ़ाइट स्टार्ट है, ग्रिफिन्स की तरफ मूव करते हैं. ट्वेंटी वन का एक ही प्लेयर रह गया है, उसके अलावा ग्रिफिन्स ने सारे फिनिश कर दिए हैं. वोका, इनको पता है कि नीचे ही हैं कहीं. नीचे उतरना डेंजरस होगा. वोका पानी के साथ साथ फिर रहे हैं. अल्टीमेट की एक और फाइट स्टार्ट हो चुकी है जी. ल्यूकस का एक बंदा डाउन है. टीम अल्टीमेट के ऊपर स्प्रेज हो रहे हैं. एक एम के कॉर्डन ऑफ कर लिया है ल्यूकस गैंग को. इनके ऊपर अब रश होने लगा है. एक और नॉक का वेट होगा. किंदन माविया आगे जाते हुए देख रहा हूँ मैं. काफ़ी क्लोज इन कर गया माविया. यूज अ डाई फॉर द रश. जोन इनको परेशान करने वाला है. माविया को गोलियां लगी हैं. मोटू का ये स्प्रे बड़ा अजीब था. टैप टैप पे मार रहे हैं इतना करीब से. अच्छा एक ही एम पे 6x लगा. अल्फा ओपी को देखो राइट पर. वेरी बैड स्प्रे. अल्टीमेट माविया ने भी एक और प्लेयर डाउन कर दिया. माविया बहुत लो हो चुके हैं. इसके साथ ही ल्यूकस मोटू भी डाउन. डेक्स्टर सिर्फ रह गए हैं इस कंपाउंड में अकेले. हील बैटल की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पर B2C की फाइट स्टार्ट हो चुकी है. हम मूव करेंगे इनकी तरफ. ड्रॉप भी है इनके पास ग्रिफिन्स के साथ. राइट जी, ग्रिफिन्स का एक प्लेयर डाउन कर चुके हैं. B2C की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है. ग्रिफिन्स के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी यहाँ पर. हैकर आगे की तरफ जाते हुए. यहाँ पर अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है. हैकर काफ़ी आगे आ चुके हैं. B4B हारिस ने यहाँ पर BT मार्कोर को फिनिश कर दिया है. शिवर थोड़ा सा साइड से स्प्रे दे रहे हैं. काफ़ी इन्होंने जो है वो
कातिल जट एक मरतबा फिर पकड़े गए यहाँ पर। फायरिंग की आवाज़ें अब सब तरफ से आना शुरू हो गई हैं। टीम बी फॉर बी की अगर मैं बात करूं जिधर ने ब्रेक मारी है यहाँ पर ऑलरेडी टीम एंग्री मेंस हैं एंड दे आर वेरी एंग्री। वो का भी फिनिश हुआ, अकेला प्लेयर था और भी हारिस काफ़ी टीमें इनके करीब आ चुकी हैं। सामने फाइट्स आ रही हैं, अल्टीमेट का एक प्लेयर डाउन किया, टीम अल्टीमेट यहाँ पर सैंडविच होते हुए, टीम अल्टीमेट भी यहाँ पर आ चुकी है। एएम विचर को भी डाउन कर दिया रजी ने, अल्फा ओपी ग्रिफिन्स की बी टू सी की और उनकी नाइटमेयर वालों की भी फाइट चल रही है। तीन टीमें वहाँ लड़ रही हैं, तीन टीमें यहाँ लड़ रही हैं। ये अच्छा नेडस होता है प्रिंस पर, लेकिन प्रिंस पीछे हो गए हैं। बी टू सी ने ये फाइट विन कर ली है, इसके साथ ही ग्रिफिन को भी फिनिश कर दिया है बी टू सी ने यहाँ पर बैक ऑफ करते हुए बी फोर बी वाले। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा फाइट से पीछे आए हैं बिकॉज वहाँ पर तीन टीम्स जमा हो चुकी थी और वहाँ की फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैंडविच करने वाली थी इनको। अल्टीमेट ने अपने प्लेयर को रिवाइव तो दे दिया है, यहाँ पर गाड़ी से निकलना चाहेंगे। अल्फा के ग्रेनेड से यहाँ पर एंग्री मैन के टिप्सी नॉकआउट हो गए हैं। एक मॉली आई है, बी टू सी पर हैवी स्प्रे हो रहे हैं, मुश्किलात बी टू सी के लिए बढ़ते हुए। अच्छा यही चार टीमें हैं जो मैं देख सकता हूँ इस वक्त, और यही चार टीमें आपस में फुल मैन पावर के साथ लड़ रही हैं। सिर्फ बी फोर बी के पास दो बंदे हैं। यहाँ पर टीम अल्टीमेट के लिए मुश्किलात बढ़नी चाहिए थी, लेकिन रशर का स्प्रे इतना ख़ास नहीं नज़र आया मुझे यहाँ पर। कैम 09 ऊपर जा चुके हैं, टीम अल्टीमेट के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए कैम 09 अकेले रह गए हैं यहाँ पर। कैम 09 काफ़ी सैंडविच हो चुके हैं, कैम 09 डाउन है। अल्फा ओपी और माविया भी यहाँ फिनिश हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्फा ओपी रह गए हैं जो थोड़ा सा पीछे हैं, इसके अलावा टीम अल्टीमेट के सब प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फाइट मुझे देखने को मिली है। अब देखते हैं कि एंग्री मैन और बी टू सी के दरमियान जो फाइट होगी वो किस तरह की होगी। अगर बी टू सी अपनी ये मैन पावर रिटेन रखती है तो यहाँ पर बी टू सी जो है वो अगले चिकन डिनर की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन चुकी है इस वक्त। अनटिल और अनलेस बी फोर बी या एंग्री मैन ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना किया। यहाँ पर बी फोर बी अल्फा ओपी ने डाउन कर दिया है, ज़बरदस्त फिनिश किया बी टू सी के एक प्लेयर को। खान फिनिश हुए यहाँ पर, एक अच्छा ज़बरदस्त था खान के लिए, ये अनएक्सपेक्टेड था। अल्फा ओपी स्टिल ऑन द रोल, शिवर नज़र आ चुके हैं इनको, लेकिन इधर से स्प्रे पड़ गया इनको। हैकर बहुत लो हो चुके हैं और ज़बरदस्त अल्टीमेट यहाँ पर बायर हुई। हारिस के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए एंग्री मैन उनके पर रश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एंग्री मैन की मैन पावर ये डाउन कर देते हैं तो बी टू सी को इसका एडवांटेज मिलेगा, और बी टू सी जो है वो आगे आ रही है इस वक्त इस जानब को। हारिस के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, हारिस फिनिश हुए यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड, और एंग्री मैन के लिए भी अब मुश्किल है क्योंकि उन्होंने आना है जोन के अंदर। पानी से रोटेशन डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनके लिए गलत साबित होगा बिकॉज़ यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोई भी जगह नहीं है।
इन द एंड मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जोन से मरेंगे और बी टू सी वालों को चिकन मिल जाएगा। सेकंड चिकन डिनर फॉर बी टू सी। ये रास्ता है, ये रास्ता है भाइयों, ये रास्ता है। देर इज अ वे टू आउट। लेकिन ऊपर वो सब खड़े हैं रशर। बी टू सी रशर वहाँ खड़े हैं पहले से। लेट्स सी एंग्री मैन को ऊपर आने का मौका मिलता है या नहीं। देख लिया है, एंग्री मैन नजर आ चुके हैं यहाँ पर। ये नुकसानदेह हो सकता है। दो डाउन हुए। अच्छा चिकन डिनर यहाँ पर बी टू सी की जानिब से, एक और चिकन डिनर गुड नंबर ऑफ किल्स के साथ। सेकंड नंबर पर एंग्री मैन, थर्ड नंबर पर बी फोर बी, फोर पर अल्टीमेट, फाइफ्थ पर ग्रिफिन्स, सिक्स्थ पर हैं हमारे पास नाइटमेयर, सेवन पर सोल्जर, एट पर हैं मीरपुर वाले, नाइन पर हैं जी रिपर्स, टेन पर हैं लुकोस, इलेवन पर डिस्ट्रक्टिव, ट्वेल्व पर ये है टीम का नाम नहीं आता, थर्टीन एस टी, फोर्टीन पर सेवेंटी, फिफ्टीन पे शिकारी, सिक्सटीन पर, अच्छा ये इनकी पोजीशन तो काउंट नहीं होगी, सेवनटीन, सॉरी अब ये सिक्सटीन टीम हो जाएगी और ये सेवनटीन टीम हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।